हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज भी मैं एक ठंडा सा ही फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दे रही हूँ। उससे हमारे प्लांट अच्छे से हरे भरे रहेंगे, फ्लावरिंग भी करते रहेंगे और गर्मियाँ कितनी भी हों हमारे प्लांट जलेंगे नहीं और पत्तियाँ भी ख़राब नहीं होंगी, पीली भी नहीं होंगी। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि पानी आप इवनिंग में देंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। गर्मियों में अगर शाम के टाइम आप पानी देंगे प्लांट्स में तो बहुत ही अच्छा होता है। और उसके साथ साथ जैसे ही पानी देते हैं पत्तियों पे भी पानी छिड़क दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। उससे हमारे प्लांट पूरी रात तरोताज़ा रहते हैं और सुबह बहुत ही एकदम फ्रेश फ्रेश हमें अपने प्लांट्स मिलेंगे। मिट्टी का ध्यान रखना है, मिट्टी में चींटियाँ नहीं होनी चाहिए या फिर कीड़े वगैरह अगर आपको लगे ऐसा कुछ। और पत्तियों पर भी ध्यान रखिए, मिलीबग एफिड्स वगैरह ना हो उसके लिए स्प्रे करते रहिए। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट्स पूरी गर्मियों हेल्दी बने रहेंगे और एकदम से हरे भरे रहेंगे और फ्लावरिंग भी करते रहेंगे, फ्रूटिंग भी करते रहेंगे। और ये आज जो फर्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है ठंडा ठंडा है, ये मैंने 3 लीटर पानी लिया है, 3-4 लीटर पानी होगा इसमें। मैंने हाफ उपले से ज़्यादा उपला लिया है, हाफ या हाफ से थोड़ा ज़्यादा है। उपले या कंडे आपको ज़रूर मिल जाएंगे आपके आसपास, आजकल तो ऑनलाइन भी मिलने लगे हैं, नहीं तो पूजा शॉप पे आपको ज़रूर ही मिलेंगे। ये इसका फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठंडा ठंडा फर्टिलाइज़र बनके तैयार होता है। यह है दूसरी चीज़ एलोवेरा। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो उसकी 2-3 पत्ती ले लीजिए। आप अपने प्लांट्स के हिसाब से ही कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र रख सकते हैं, तो मैं भी ये कई प्लांट्स में दूंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा होता है, आप किसी भी प्लांट में दीजिए इसको, फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूटिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट्स या लीफी प्लांट, इंडोर प्लांट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भिगो कर रखना है 3 दिन के लिए, मैं इसको छोड़ दूंगी 3 दिन के बाद फिर इसको यूज़ करना है। कैसे करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, इसको ढक करके आप शेडी एरिए में रख दीजिए और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार होगा। तो उपले और कंडे और फ्रेंड्स, ये इसमें मैंने बाद में एक चीज़ और मिलानी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसमें और क्या मिलाना है। तो मैंने ढककर के इसको छोड़ दिया था 3 दिन के लिए। ये देखिए 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट है, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स कितना अच्छा फर्टिलाइज़र, पूरी तरह से सारे पौष्टिक तत्व दोनों चीज़ों के इसमें पानी में आ चुके हैं। और ये फर्टिलाइज़र कमाल का बना है, आप इसको 15 दिन में अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और प्लांट को तरोताज़ा रखेगा। ये मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी इससे मिट्टी में। अब मैं बता देती हूँ उपले में क्या क्या पाया जाता है। उपले में बहुत अच्छे एनपीके का सोर्स है ये, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, बहुत सारे अच्छी मात्रा में इसमें सारे पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे प्लांट को। गोबर की खाद भी आप दे सकते हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास उपला नहीं है तो। और इसको देने से हमारी मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया हैं वो पनपेंगे, पैदा होंगे, तो प्लांट की मिट्टी जो होगी वो उपजाऊ बनेगी। तो इसको आप 15 दिन में बेझिझक यूज़ कीजिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके प्लांट्स के ऊपर। और एलोवेरा में तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी मात्रा में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं इसमें, और इसमें कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, और इसके अलावा इसमें एंजाइम्स हैं और विटामिन ई, सी, बी, बहुत सारे विटामिन्स हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ करेंगे। और एलोवेरा आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, हम अपने लिए भी इसको हेयर केयर, स्किन केयर में यूज़ करते हैं, इनटेक भी करते हैं इसको, तो एलोवेरा का प्लांट तो आपके पास होना ही चाहिए। तो इसको छान लेना है, छानने के बाद इसमें मैं एक चीज़ और मिला रही हूँ, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन कह सकते हैं इसको। और ये मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको 10-15 दिन में आप अपने प्लांट में यूज़ करते रहिए, इससे पत्तियां पीली नहीं होगी। हमारा प्लांट अगर कोई स्ट्रेस में है, शॉक में है, तो वो स्ट्रेस से भी बाहर निकाल देता है एप्सम सॉल्ट। उसको आप इसको प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए मैंने मिला लिया है 3-4 लीटर मैंने 3-4 लीटर पानी लिया था और 1.5 लीटर मैंने इसमें फर्टिलाइज़र मिला करके, आप इसको डबल या 3 गुना पानी भी इसमें मिला सकते हैं। और फिर प्लांट में अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र इतना ही दीजिए कि ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले, बस ये ध्यान रखना है। बाकी आप अच्छे से इसको भर भर के दे दीजिए अपने प्लांट की मिट्टी में। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्प्रे करने के लिए। जब आप अगर स्प्रे करते हैं इसको तो आप कपड़े से छानिए, और कपड़े से इसलिए छानना है कि हमारा स्प्रेयर ख़राब ना हो।
क्योंकि स्प्रे बॉटल इससे ख़राब हो सकती है अगर आप रेशे के साथ ऐसे ही इसमें डाल देते हैं, तो इसलिए मैं कपड़े से इसको छान रही हूँ। छन्नी से छाना हुआ भी मैं नहीं डालती हूँ, कपड़े से छान कर ही स्प्रे बॉटल में डालिए और फिर इसको आप इसको सब प्लांट पर स्प्रे कीजिए, क्योंकि इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा से हम एक कीटनाशक भी होता है, ये हमारी पत्तियों पर कोई कीड़े वगैरह होंगे तो उनको भी ख़त्म करता है और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, पत्तियाँ ग्रीन बनेंगी एकदम। तो ये तीनों चीज़ का मिलाकर जो फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है बहुत ही बेस्ट है, बनाइए फ्रेंड्स, अपने प्लांट्स में दीजिए और इवनिंग के टाइम कोशिश कीजिए कि इवनिंग के टाइम दे। आज मैं देखिए इवनिंग के टाइम ही यूज़ कर रही हूँ इस फर्टिलाइज़र को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।